नमस्कार, केसे जाने उसकी टॉप 10 बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तापमान गिरा पर उमस कम नहीं हुई। 6 व 7 जुलाई को बारिश का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारतीयता ही हमारी पहचान। परिवार, समाज और समुदाय में मातृभाषा का करे प्रयोग। मातृभाषा, मातृभूमि व माँ सबसे बढ़कर। बीएससी नर्सिंग की छात्रा की मौत। छात्रावास में 3 दिन से थी बीमार, लेकिन किसी ने नहीं दिया था ध्यान। बांधों में पर्याप्त पानी पर सिंचाई के लिए अलार्म। बरसात में देरी बन सकती है समस्या। नागपुर विभाग में छोटे बड़े 383 बांध। कुपोषण का आंकड़ा घटने का दावा, मगर अभी भी 553 बच्चे कुपोषित। 558 संख्या मध्यम तीव्र कुपोषित की, वही 95 अति तीव्र कुपोषित श्रेणी में। अब सराफा व्यापारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी। 10 लाख रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन की जानकारी देनी होगी FIU को। पेंच बैगर प्रकल्प में ड्रोन से निगरानी जल्द। ताड़ुबा की तरह होगी पहल। चिंताजनक बात, मनपा की लेट लतीफी से अंधेरे में छात्रों का भविष्य। कमरे तैयार नहीं हुए तो आकांक्षा फाउंडेशन ने नहीं दिया प्रवेश। विद्यार्थियों को लगेगा शैक्षणिक शुल्क वृद्धि का एक और झटका। व्यवस्थापन परिषद का निर्णय, प्राचार्य की बैठक का आयोजन। गए तो वापस ही नहीं लौटे मुख्यमंत्री और ना ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार है। मंगलवार रात को राष्ट्रपति का स्वागत कर तुरंत लौटे थे मुंबई को। केसरी उजाला न्यूज की टॉप 10 बुलेटिन में आज सिर्फ इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज।